से एएसआरपी नेट एग्जाम जो आपका होगा 2023 में, इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। जितनी भी आपकी जानकारी है मैं कंप्लीट आपसे डिस्कस करूंगा। सिलेबस क्या रहता है, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या इसमें वैकेंसीज आई हुई है, क्या आपका कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर है, और नेट के अलावा आपका कौन कौन से यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपकी नोटिफिकेशन शो हो रही है जो इस पे चल रही है। चलिए जान लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप जो है एएसआरपी नेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हमारे agriculturegk.in वेबसाइट पे और हमारे आपको जो है जो आपकी हमारी वेबसाइट है और जो आपका हमारा ऐप है एग्रीकल्चर जीके, वहां पर आपको नेट एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्सेज मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वेजिटेबल साइंस के लिए है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए है, फ्लोरिकल्चर लैंडस्केपिंग के लिए कोर्स अवेलेबल है, प्लांट जो फिजियोलॉजी होता है इसका कोर्स अवेलेबल है, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, स्पाइसेस प्लांटेशन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए कोर्स अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। इन कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो, इनको ले सकते हो। इसके अलावा हमारे पास जितने भी आपकी डिसिप्लिन होती है, कुल आपका 60 सब्जेक्ट से ICAR नेट का एग्जाम होता है। सभी 60 सब्जेक्ट्स के मोस्ट ऑफ जो आपके मॉक टेस्ट हैं सब्जेक्ट्स के, वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। देखिए फूड टेक का है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है, बायोकेमिस्ट्री का है, तो ऐसे ही आपका जिस सब्जेक्ट से भी अप्लाई किए हो सभी के लिए आपका जो है ICAR नेट के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप हमारे मॉक टेस्ट को ले सकते हो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का आइडिया लगा पाओगे और कैसा पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। आपका सेम टू सेम एज पर सिलेबस एज पर एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेंगे। इनको हम फिर से अपडेट करेंगे तो ये आप मॉक टेस्ट ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इनको आप चेकआउट करिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब देर न करते हुए बात कर लेते हैं। चलो आपका नोटिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हो ये आपकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एएसआरपी नेट की जो आपकी आज अभी रिलीज हुई है। जान लेते हैं इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से आपका आवेदन शुरू हो रहा है। 22 मार्च से आप इसमें आवेदन कर सकते हो और यहाँ पर आपकी जो है एएसआरपी नेट के अलावा आपका सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज आई हुई है और आपका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। तो आपकी ये तीन वैकेंसीज भी हैं। इसके अलावा जो अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 10 अप्रैल 2023। ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी यह रहेगी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। तो यहाँ पर एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, ये आपका सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। आपका 26 से 30 के बीच में आपका पेपर होगा अप्रैल के महीने में। एग्जाम सेंटर के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जो आपका यूआर वाले हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी 1000 रुपये, नेट के लिए फॉर SMS 500 रुपीज, फॉर STO 500 रुपीज, EWS OBC के लिए 500 रुपीज तीनों की पोस्ट के लिए, SC के लिए नेट के लिए फीस रहेगी 250 रुपये, और यहाँ पर जो SC वाले हैं, ST वाले हैं, वुमेन हैं, PWD वाले, इनके लिए 0 फीस रहेगी इन पोस्टों के लिए। तो अगर आप वुमेन हो किसी भी कैटेगरी की तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन फीस रहेगी 0 रुपये। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हो, वहां से आप इसमें आवेदन कर पाओगे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो सिलेबस है वो भी आप कर पाओगे डाउनलोड इसकी वेबसाइट से। मैं आपको सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा ये एग्जाम आपका हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ऑल इंडिया में इसके सेंटर्स रहते हैं, और ये एग्जाम आपका क्वालिफाइड नेचर का होता है एएसआरपी नेट का। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपकी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और इसमें जो लोग MSc परसुइंग हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया में इसके सेंटर्स रहते हैं। तो इनको मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। नेट का जो आपका एग्जाम होता है ये आपका ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री वाले इसमें जो है एलिजिबल रहेंगे, जिनके जो मास्टर्स कर चुके हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल आपका 60 सब्जेक्ट पे आपका ICAR नेट का एग्जाम होता है। तो जिससे आपने मास्टर किया हुआ है
उस सब्जेक्ट से आप ये एग्जाम दे सकते हो। और अगर बात की जाए एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर 21 साल से ऊपर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी 1/1/2023 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी यहाँ पर अनलिमिटेड रहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है अटेम्प्ट के लिए। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन अगर बात की जाए एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में आपका क्या रहता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। सिलेबस जो है आपका, सिलेबस की अगर बात की जाए, तो सिलेबस जो है आप यहाँ से, ये आपकी वेबसाइट हो गई, इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो मैं भी आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस आप कहाँ से पा सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो है सिलेबस का आ जाएगा पेज। ये देखिए यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ, यहाँ से आप इस सिलेबस को कर सकते हैं डाउनलोड। जिस भी आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं तैयारी, उसका यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस को आप पढ़िएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा। बाकी कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, उस ऐप को आप चेक कर सकते हो, कोर्स को एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, एसएमएस की बात कर लेते हैं। अब जो आपका एसएमएस में क्या क्या चीजें हैं, देखिए जो आपका पेपर होता है नेट का, उसमें क्या होता है दोस्तों, पेपर में कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 50% मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूआर वालों को, 50% मार्क्स यूआर वालों को, और जो आपका होता है ईडब्ल्यूएस वाले उनको लाने होते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को यूआर वालों को लाने होते हैं 50% मार्क्स। क्वेश्चन 150-150 आते हैं पेपर में, 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका, एक क्वेश्चन का एक मार्क्स मिलता है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा आपका 50% मार्क्स लाने होते हैं यूआर को, ईडब्ल्यूएस को, 45% मार्क्स लाने होते हैं आपका जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी वालों को, और आपका 40% मार्क्स लाने होते हैं आपका एससी और एसटी वालों को। देखिए जो आपका पेपर होता है नेट का, उसमें क्या होता है दोस्तों, पेपर में कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 50% मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूआर वालों को, 50% मार्क्स यूआर वालों को, और जो आपका होता है ईडब्ल्यूएस वाले उनको लाने होते हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को यूआर वालों को लाने होते हैं 50% मार्क्स। क्वेश्चन 150 आते हैं पेपर में, 150 मार्क्स का पेपर होता है आपका, एक क्वेश्चन का एक मार्क्स मिलता है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा आपका 50% मार्क्स लाने होते हैं युवा को, ईडब्ल्यूएस को, 45% मार्क्स लाने होते हैं आपका जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी वालों को, और आपका 40% मार्क्स लाने होते हैं आपका एससी और एसटी वालों को, एससी एसटी वालों को लाने होते हैं आपका 40% मार्क्स। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग के बारे में इन्फॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न के बारे में इन्फॉर्मेशन। सिलेबस आप कहाँ से पा सकते हो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जो मैं आपको बता रहा था अभी, उसके बारे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है। ये आपका हो गया क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1/3 मार्क्स आपके कटते हैं एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है। कुल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 150 मार्क्स के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 आवर का पेपर होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई इसके बारे में। और जो लोग आपका परसुइंग है, जो लोग आपका अभी नेट में जो आपका एमएससी कर रहे हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं होगा। अगर वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब वैलिड होगा, जब आपके पास एमएससी हो जाएगी तभी आपका वो होगा वैलिड। यहाँ पर सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, इनको आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, इसको मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। मैं इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पर कुल आपका 60 सब्जेक्ट से आईसीआर नेट का एग्जाम आप दे सकते हैं। कुल आपकी 60 डिसिप्लिन होती हैं। कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी एमएससी रहती है इसमें आवेदन करने के लिए। फिर आपकी दूसरा है एसएमएस की पोस्ट, यहाँ पर एसएमएस की वैकेंसीज आई हुई है जिनमें आपकी पोस्टिंग जो है कृषि विज्ञान केंद्राज में होगी या आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगा
15,600 से 17,100 रुपए, 56 ये एसएमएस की वैकेंसीज हैं, सिलेबस वगैरह आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। और एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। एसएमएस के लिए आपका मिनिमम 21 ईयर वाले, मैक्सिमम रहेगी आपकी 35 ईयर, वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। जो कैटेगरी वाले हैं उनको छूट मिलेगी, वो आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। यहाँ पर देखिए पोस्ट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, कहाँ कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दबाजी में, क्योंकि काफी लंबी है ये लिस्ट। आपको इस पीडीएफ में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए कितनी वैकेंसीज है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी, एक मिनट रुकिए। एसएमएस के लिए कुल आपकी जो वैकेंसीज आई हुई हैं अगर बात की जाए उनके बारे में, तो यहाँ पर आपकी कुल जो है 163, कुल आपकी 163 वैकेंसीज हैं एसएमएस के लिए, जो कि आपकी सब्जेक्ट वाइज है, कैटेगरी वाइज है। तो आप चेक कर लीजिएगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कौन सी कैटेगरी में आपका वैकेंसी है या नहीं है। कुल आपकी 163 वैकेंसीज हैं, हर केवीके में आपकी एक पोस्ट है। यहाँ पे ऑल इंडिया वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे, एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जो मास्टर कर चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, एमएससी वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एसएमएस की पोस्ट के लिए। तो एसएमएस की पोस्ट के लिए जिस जो है सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे, उस सब्जेक्ट के आपके जो है क्वेश्चन आएंगे 150, 2 आवर का पेपर होगा आपका, इंटरव्यू आपका होगा 30 मार्क्स का। तो ये आपका रहेगा पैटर्न, 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर का पेपर होगा आपका, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो गया पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस आपको ASRB की वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वालिफाइंग के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको इतने परसेंट मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा, उसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है वो आप इसकी वेबसाइट से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट, STO की पोस्ट यहाँ पर है, काफी बड़ी वैकेंसी यहाँ पर है ये आपकी। यहाँ पर सैलरी आपकी 1,70,500 रुपए तक मिलेगी आपको, 56,100 रुपए से आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, काफी अच्छा पे स्केल मिलेगा यहाँ पर आपको। और CBT एग्जाम होगा ऑनलाइन पे।